All right, hey guys, good morning. It is almost 6 in the morning right now. And मुझे पता नहीं है कि how the view or how the angle is. This is the complete new setup, complete new, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं है मुझे. थोड़ा ब्रेक इन होने में टाइम लगेगा हेलमेट में, बट लेट्स सी. अब जब तक मैं एडिटिंग नहीं करूँगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आवाज़ की क्वालिटी वगैरह कैसी है. काफ़ी लेट हो चुका है, मतलब 6:45 को मुझे वहाँ पे मीटअप पॉइंट पे होना चाहिए था. 6:45 बज चुके ऑलरेडी एंड आई एम स्टिल नियर माय होम. वैसे रास्ते तो खाली रहेंगे, सो ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है, बट स्टिल हेलमेट मुझे, मतलब ऐसे अगर हाथ में लेते हो तो थोड़ा हैवी लगता है, बट पहनने के बाद ऑन द राइड इतना हैवी नहीं लग रहा है मुझे. मतलब पहले वाला जो हेलमेट था वो तो काफ़ी हैवी था, नो डाउट, बट अगेन दिस वन थोड़ा और चलाऊंगा जब हवा लगी, विंड ब्लास्ट होगा तब और पता चलेगा इसके बारे में, बट अभी फिलहाल तो रिव्यू नहीं करना है इसके. मुझे अब ऐसे लगने लगा कि मुझे हाइड्रेशन बैग लेना चाहिए था, क्योंकि बार बार तो मैं हेलमेट को निकाल नहीं सकता हूँ. सियांगढ़ रोड से तो गलती से भी नहीं जाऊंगा, क्या खतरनाक रोड बना के रखा है, इतने गड्ढे, और बस रोड का काम चल रहा है. राइट, तो फाइनली पहुंच गया हमें. One eternity later. तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं. होटल का नाम है होटल ग्रीन हिल. ऑसम व्यू है यहाँ से, मेरे पीछे आप देख सकते हो, पूरा माउंटेन्स एरिया है. एंड वी विल हैव अ ब्रेकफास्ट, एक आधे घंटे का ब्रेक होगा एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी फ्रॉम अरोरिया. एक छोटा सा हॉल्ट लिया था तामिनी घाट में. द व्यू इज़ लुकिंग ऑसम फ्रॉम बिहाइंड यार. तो यहाँ से अप्रॉक्स है 95 किलोमीटर्स, सो पकड़ के चल लो. काफ़ी सारे हेयर पिन बैंड्स है यहाँ पे, सो बी केयरफुल व्हेन यू विल कम. मैं बहुत बार आ चुका हूँ तो मुझे अंदाजा है इस रोड का, तो सो अगर कोई नया आ रहा है तो थोड़ा सा संभाल के चलाओ.
क्योंकि तामिनी घाट में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होता है, स्पेशली इन रेनी सीजन। लोगों को पता नहीं रहता रोड कैसा है क्या है, एंड यू नो दे जस्ट बैंग द व्हीकल समवेयर। लेफ्ट में जो रास्ता जाता है वो निज़ामपुर जाता है, निज़ामपुर और महाड़। Few moments later. All right, so we are near Nagaon right now. तो हम लोग अभी नागांव के पास पहुंच चुके हैं, and hardly होगा यहाँ से around 7 to 8 kilometers। बस यहाँ पे छोटा सा एक halt लिया था, just to regroup everyone, and 7-8 kilometers यानी कि 10-15 minutes hardly, अगर रोड अच्छा हो तो। क्रैम 411 के मज़े ही अलग है यार। सो इट्स 2:22 राइट नाउ एंड हम लोग अभी जस्ट पहुँचे नागांव बीच पे। So we'll have our lunch and then go to the beach. So this is the room. This is my room partner Ishan. Hi. और एक और room partner है अंदर है। Hello. So we three are sharing our room today. काफ़ी मतलब ऑफ रोड पैच था बीच में। एक्चुअली हम लोग जो रेगुलर रूट है वहाँ से नहीं आए थे, वी टुक अ डी रूट। हम लोग एक्चुअली रोहा से वगैरह घूम के विच काउंटेड अराउंड 160 kilometers ऑलमोस्ट। एक्चुअल जो रूट है वो अराउंड 120-130 kilometers का है, बट वी हैव डन 160 kilometers विच वी हैव कवर्ड लाइक ऑफ रोड्स, फोर लेन हाईवेज भी थे बीच में, देन सिंगल लेन रोड्स भी थे। सो जैसे तैसे कैसे हम लोग अभी पहुँच चुके हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं एंड देन सी यू गाइस अगेन। ए फ्यू मिनट्स लेटर सबसे
आर डूइंग स्लो रेस, फास्ट रेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बट वी आर डूइंग अ स्लो रेस जो सबसे कम Hey guys, good morning. This is our day 2. It's 7 in the morning right now and अभी just उठा हूँ and बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ सबसे पहले. What a beautiful view. Our bikes are parked over there. This is the property and the property name is Evergreen. तो अलीबाग में आप search कर सकते हो Evergreen property, Evergreen hotel करके. So you will find this place. The rooms are pretty well. काफ़ी अच्छे rooms थे. आपको थोड़ा room tour कराता हूँ. ये जो है मैं खड़ा हूँ, ये बालकनी है बाहर की. And this is the room. We three people were staying over here. And this is the common area, you can say. So overall a very pretty good decent property. Rates मुझे पता नहीं है क्योंकि ये सब कुछ हमारे जो मैनेजमेंट है उन लोगों ने बुक किया था, बट यू कैन चेक ऑनलाइन एंड डेफिनेटली रिकमेंडेबल. नागाव बीच यहाँ से खाली 1 किलोमीटर दूर है. अक्षी बीच इज समवेयर अराउंड 3 to 4 किलोमीटर. सो अगर आप बाइक लेके जाना चाहते हो तो यू कैन गो टू अक्षी बीच, या फिर सिर्फ ऐसे ही मजे करना चाहते हो तो यू कैन गो टू नागाव बीच. बट नागाव बीच में अगर आप कार लेके जा रहे हो तो कुछ तो एंट्री फीस है, 20 rupees समथिंग. एंड बाइक के लिए तो कोई ऐसे ही एंट्री फी वगैरह कुछ ही थी नहीं, मतलब हम लोग जब गए थे. सो ओवरऑल डिसेंट प्रॉपर्टी, रिकमेंडेबल. यू कैन विजिट ओवर हियर एंड यू नो यू कैन रूम अराउंड अलीबाग वगैरह. अलीबाग यहाँ से बाय द वे 5 to 6 kilometers है. सो यार अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, तैयार होंगे एंड वील हेड बैक टू पुणे. ऑलराइट, सो वी ऑल आर गेयर्ड अप राइट नाउ. पीछे बाइक्स भी रेडी है एंड थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है हल्की सी. सो आई एम कैरिंग माई रेन जैकेट एज वेल. बाइक्स पे लगेज वगैरह सबका बन चुका है. इन लाइक 15-20 minutes वील बी लिविंग फ्रॉम यूर. सो बस 10-15 minutes और एंड वी आर प्लानिंग टू गो टू रेवगंडा बीच. अब देखते हैं मौसम कैसा है वहाँ पे. अगर क्लियर स्काइज रहेगा तो फिर बीच पे जा सकते हैं, वरना देखते वरना वहीं से वापस आना पड़ेगा फिर से. देन वी विल हेड बैक टू पुणे डायरेक्टली. ऑलराइट, सो अभी हम लोग निकल चुके हैं. एक छोटा सा इशू हुआ था, ग्रुप में से एक मेंबर की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी. सो जैसे जैसे कैसे स्टार्ट हो गई. ग्रुप में वैसे बहुत सारे जुगाड़ू लोग हैं, सो ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं. नॉट अ बिग इशू, बस अब प्रॉब्लम ये है कि जाते वक्त बहुत सारा ट्रैफिक लगने वाला है. 70 किलोमीटर्स के लिए 2.5 घंटा बता रहा है मैप पे. यहाँ से निकलने में ही बहुत सारा टाइम लगने वाला है क्योंकि देख सकते हो कि कितने नैरो रोड्स है. सुबह उठ के पहला काम जो किया था वो चेन लूप किया मैंने, क्योंकि कल जो है वो मैंने एक्चुअली मतलब सॉल्ट वाटर समंदर में गाड़ी चलाई, मतलब समंदर के अंदर नहीं बट बीच पे जो वेव्स वगैरह आ रही थी उसके ऊपर पानी उसके ऊपर गाड़ी चलाई, तो वो सॉल्ट वाटर जो है वो चेन पे वगैरह चिपक जाता है एंड यू नो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम लेटर ऑन. सो सुबह उठ के पहले मैंने चेन क्लीन किया, फिर चेन लूप किया. सो जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा है, फॉर दैट रीज़न आई ऑलवेज कैरी चेन लूप विथ मी. क्या वो डस्ट पार्टिकल एक बार चिपक जाते हैं, सॉल्ट वाटर अगर अफेक्ट करने लगता है चेन पे, रिएक्ट करता है चेन के साथ,
तो फिर वो चेन के इश्यूज़ आते हैं, फिर चेन स्प्रॉकेट ख़राब होता है, तो फिर पूरा सेट चेंज करना पड़ता है बाद में। सो बेटर कि पहले ही उसके प्रिकॉशंस ले लो। कितने धीमे गति से ट्रैफिक चल रहा है यार, सिर्फ एक बस के वजह से। एंड ऊपर उससे जगह जगह पे ऐसे पानी भरा हुआ है। सो गाइस, आई विल टॉक टू यू आफ्टर वी यू नो एक अच्छे रोड पे निकलने के बाद मिलता हूँ। तब तक मैं ये ट्रैफिक झेल लेता हूँ। आपके लिए तो बस एक सेकंड का ट्रांजिशन है, मेरे लिए पता नहीं कितने मिनटों कितने घंटे लग सकते हैं, आई डोंट नो। तो गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। सो टिल देन जस्ट कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।